कल 5 सदस्य अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने नागालैंड में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस टीम ने NSDMA और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ न्यूलैंड सब डिवीजन का दौरा किया और न्यूलैंड तथा उसके सीमावर्ती गांवों के प्रभावित परिवारों से बातचीत की। केंद्रीय टीम ने फसलों की बर्बादी का सही आकलन करने के लिए येवेटो गांव का भी दौरा किया। इससे पहले टीम ने न्यूलैंड और डिमापुर को जोड़ने वाली बालीजान पुल का भी जायजा लिया, जो कि बाढ़ में बह चुका है। न्यूलैंड तथा उसके सीमावर्ती गांवों का दौरा करने के बाद टीम बोखा जिले के रालान और भंडारी इलाकों का जायजा लेने निकल पड़ी। We will be visiting the major landslide areas in and around Kohima town, including the Dimapur Kohima National Highway, the maze. त्रिपुरा में बीजेपी IPFT गठबंधन के बीच बड़ी दरार अब नजर आने लगी है। दोनों पार्टियों के बीच झड़प अब आम बात हो गई है। IPFT के नेताओं के खिलाफ गर्जी उदयपुर में दो अलग अलग FIR दर्ज किए गए हैं। पहला FIR चंद्रजॉय रियांग ने दर्ज करवाया है, जिसमें आरोप है कि बीते सोमवार को रात करीब 9 बजे IPFT के 15-16 सदस्यों ने उन्हीं के घर में उन पर हमला किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। वहीं दूसरा FIR बीजेपी नेता जयहरी जमातिया ने सिमोनजॉय रियांग, रामजॉय रियांग, विनंदा जमातिया, राजकुमार नोएटिया, जयराम रियांग, विजय रियांग और अन्य के खिलाफ दर्ज किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिस्थिति को काबू में किया। इधर बीजेपी विधायक विप्लव कुमार घोष ने इलाके का दौरा करने के साथ ही स्थानीय बीजेपी नेताओं और पुलिस अधिकारियों से बात की। मणिपुर विश्वविद्यालय ने सोमवार को कुलपति आद्य प्रसाद पांडे की छुट्टी की अवधि उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं होने तक और बढ़ा दी है। इधर आद्य प्रसाद पांडे का कहना है कि वे उनके खिलाफ हो रही जांच का सामना करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सिलसिले में उन्हें हाल ही में बनी कमेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी कोई सूचना उन्हें दी है। पांडे 30 दिन की अपनी छुट्टी खत्म कर वापस विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे थे। आई एम रेडी टू सपोर्ट इट एंड आई एम रेडी टू फेस इट। आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस इट। पूरा कोऑपरेशन देंगे और फेस करेंगे उसको करेंगे। व्हाटएवर दे विल लाइक आई विल टेल, बट इट शुड बी लीगल एंड इट शुड बी इंडिपेंडेंट, नॉट मेड बाई एनी फोर्स। दूसरी तरफ इम्फाल में उपस्थित AICC के महासचिव और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य गौरव गोगोई ने मणिपुर विश्वविद्यालय में जारी परिस्थिति के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। See, I condemn the action to ban teachers association and students organization. This is a pattern not only in Manipur but across the country where RSS is choking the democratic rights of students and teachers. Universities are meant for students to question and ask hard questions, but RSS does not allow students to have this freedom. सिक्किम की जैविक कृषि और ग्रामीण पर्यटन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए 4 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण पर आए उत्तराखंड सरकार के पर्यटन तथा सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज और उनकी टीम ने कल नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स ICAR पैक्योंग और ईस्ट सिक्किम में पैक्योंग हवाई अड्डे का दौरा किया। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स में इस टीम का स्वागत SDM पैक्योंग, TD डेंगजोंगपा और इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर LCD ने किया। इस दौरान टीम को विभिन्न ऑर्किड्स के बारे में जानकारी दी गई। टीम ने पैक्योंग हवाई अड्डे का भी दौरा किया, जहां हवाई अड्डे के निदेशक R मंजुनाथा ने उन्हें हवाई अड्डे के ढांचे की और आगामी उद्घाटन समारोह के विषय में जानकारी दी। इस दौरान जब सतपाल महाराज से अलग गोरखालैंड के विषय में यह सवाल किया गया कि गोरखालैंड कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि अलग राज्य का गठन जनता की भावनाओं और उनकी आकांक्षाओं के आधार पर होना चाहिए।